मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से ही लगातार राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। बीडी शर्मा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरा और कहा कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की गारंटी है। जिन जिन राज्यों में गलती से कांग्रेस की सरकार बनी वहां वहां भ्रष्टाचार हुआ। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधा और कहा एमपी सरकार ने जो कहा सो किया। लाडली बहना को यदि सरकार 1250 रुपए दे रही है जो 3000 तक जाएगा, इससे दिग्विजय के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? केवल दिग्विजय सिंह बल्कि नेता प्रतिपक्ष ने भी इस योजना को रोकने की मांग की है। अनौपचारिक बैठक है। अनौपचारिक अगर गलती से कहीं आती है तो दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर प्रदेश को अपने भ्रष्टाचार का एटीएम बना करके गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटती है। जिन जिन राज्यों में गलती से कांग्रेस की सरकारें बनी वहां ऐसा ही उन्होंने किया कि हमारी उन बहनों के हक और अधिकार को वो छीनना चाहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से मैं पूछना चाहता हूं क्या है दिग्विजय सिंह आपका इसके पीछे? क्यों दर्द है अगर बहनों को 1250 भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सम्मान के लिए देती है।